जी बिल्कुल माविश, यहाँ ब्यूटी पार्लर में मैं फराज ब्यूटी पार्लर में हूँ और मैं आपको बताती हूँ कितनी गहमा गहमी है यहाँ पे। मेहंदी के बाद जो नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट होता है वो फेशियल का होता है, क्लींजिंग का होता है। फराज हमारे साथ, हम उनसे पूछते हैं कितना रश है आपके सलोन में, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह सैफ, फराह शरीफ, सॉरी उसमें जाते जाते रहा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है सुबह 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक चलेंगे और यानी सुबह से खड़ी हूँ, यानी समझ लो कि तकरीबन आज तो सुबह की बात है लेकिन मुकम्मल तौर पे आज एक हफ्ता हो गया है, कंटिन्यू बिजी जा रही हूँ। मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा। हाँ। अच्छा खवातीन क्या कुछ करा रही है मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे साथ आए अगर मेरे कैमरामैन यूसुफ आपको दिखाएं। ये देखें, ये आपके सामने है इनका नेल पेंट, ये नेल पेंट करा रही है और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, इसके लिए भी अच्छा खासा टाइम लगता है क्योंकि मैं अगर आप इनसे बात करती हूँ और इनसे पूछूँ कि कितना टाइम आपको लगेगा इस नेल पेंट के लिए और कितना आप इन्जॉय कर रही हैं, कितनी तैयारी अभी हो गई है इसकी और कितनी रह गई? काफी तैयारी रहती है, बहुत सारी रहती है, इनसे बात करते रहो, बात कर रही हैं। कितनी रहती है आपकी तैयारी? अस्सलाम वालेकुम, मेरी तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने कर ली है। ईद की शॉपिंग वगैरह तो वो तो पहले इंसान कर लेता है। मैंने मेहंदी ही लगवाई, मेरी बहुत ज़्यादा वेटिंग है बाहर जो कि मेहंदी लग रही है, आपको पता है, आपने देखा है, बहुत सारी मेहंदी मैंने लगवानी है अपने हाथों पर। ईद के बगैर, मेहंदी के बगैर तो ईद ही अधूरी है। नहीं मैं फेशियल नहीं कराती, इतनी प्यारी हूँ वैसे ऑलरेडी, इतनी प्यारी है ऑलरेडी, इतनी प्यारी है इसे जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारे पास एक और आई है, बस आई है, जस्ट एंटर हुई है, नहीं पकड़ लिया हमने, पहले सारा अपना काम करवा गई, अभी दोबारा आई है। हाँ, ये दोबारा आई करवाने के लिए, अब आप दोबारा आई है और क्या कुछ करा लिया, मेहंदी दिखाई लगाई कि नहीं? बिल्कुल नहीं लगाई, मेहंदी लगवानी है और फराह के पास जो है ना चांद रात ना आए तो इनकम्प्लीट है और जो है बहुत ये माशाल्लाह बहुत अच्छी शेप है, इतना अच्छा मतलब इस पे सिंध चैनल पे इनका काम, फिर इनका इसका मतलब है कि बड़ी ईद पे भी बड़ा काम होता होगा, छोटी ईद पे तो खवातीन का ये काम है, बड़ी ईद पे आप पीछे भी देख लें खवातीन क्या कुछ करा रही है, परमिंग चल रही है, इसके अलावा इनके फेशियल चल रहे हैं, आप मुस्कुरा रही हैं तो मुस्कुराने का राज ये कि सारी सर्विसेज लेके ना फ्री हो चुकी, बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ, सिर्फ मेहंदी बाकी है, बाकी सारी सर्विसेज ले चुकी हूँ मैंने, अभी केराटिन लिया है। बहुत मजे की बात ये है कि हमारे चैनल पे जो खवातीन है उनको तो सब पता है कि क्या काम होता है, मर्द हजरात भी देख रहे हैं, उन्हें बताएं कि क्या क्या कुछ खवातीन बहुत काम है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान वो होते हैं, पार्लर जाती है घर वापस ही नहीं है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, मैंने हाइड्रोफेशियल ले लिया, मैंने अभी केराटिन ट्रीटमेंट ली है, ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज डन है मेरी और माशाल्लाह मैं बहुत टाइम से फराह के पास आ रही हूँ, जबरदस्त एक्सलेंट सर्विसेज, और मैं ये रिकमेंड करूँगी कि सब आएँ और अपनी सर्विस, सब आएँ बल्कि सब जाती हैं कि बिल्कुल। यहाँ पे हमारे और भी बहुत सी यहाँ पे खवातीन थी जिनके लंबे बाल उन्होंने एक्सटेंसो कराया है, केराटिन कराया है, यूसुफ से मैं कहती हूँ बिल्कुल उन्हें बुलाएं, और बल्कि यहाँ कुछ और भी खवातीन हैं मैं उनको भी दिखा देती हूँ, ये देखें। और आपको सोशल मीडिया का तो पता ही है, सोशल मीडिया का दौर है और अगर खवातीन यहाँ पर अपनी पेंटिंग कराएं सोशल मीडिया पे ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता, ये देखें मुझे, मैं पकड़ी गई हूँ बिल्कुल। आप यहाँ क्या बना रही हैं, टिकटॉक बना रही हैं क्या? आई एम नॉट कुछ, मैं आई हेट टिकटॉक, बट ये लाइव जा रही हूँ बेसिकली ऑन इंस्टाग्राम एंड बहुत सारे लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक, चांद रात मुबारक एंड बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर और इन्होंने मुझे पकड़ लिया एकदम से बिकॉज आई वाज आल्सो गोइंग लाइव ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल। सो फराह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और ये हमेशा चांद रात में मुझे बुक कर लेती है और कहती है तुमने कहीं नहीं जाना क्योंकि मेहंदी का स्टॉल फिर मैं ही संभाल रही होती हूँ और मेरे खुद भी कैमरामैन एंड आई एम वेटिंग फॉर देम एज वेल, थोड़ा सा मैं भी बाइट्स वाइट्स लूँगी सबका। हाँ एग्जैक्टली, यू आर राइट, ये मुझे जाने नहीं देती किसी अच्छी जगह पे किसी पार्टी। अच्छा इस मेकअप के पीछे किसका राज है, आपके अपने जादुई हाथों का या हाँ झूठ बोलना जरूरी है? ओके शैतान तो खुल गया ना तो झूठ बोल सकती हूँ मैं, हाँ शैतान वापस आ चुका है, सबको पता है कि नहीं मेरा हेयर डू, शी डिड द हेयर डू ऑल ऑफ इट, हाँ मेकअप में घर जाकर नहीं ये जाने देगी मुझे, ये स्टॉल तक जाना है मेरी दौड़ कहते हैं ना यहाँ तक है, आज ये स्टॉल हैंडल करेगी। हाँ जी यहाँ पे भी इसका मतलब है और भी काफी सर्विसेज, आप सुबह 5 बजे तक, हम सुबह 5 बजे तक मैंने सर्विसेज क्या ली हैं, आप मेरे बाल देख सकते हैं ठीक है, ये इसके हैं कट, थोड़ी देर पहले ही करके हटे हैं, कट ये देती है ठीक है, और मेरी सर्विसेज बाकी सारी यार बताना जरूरी, वैक्स आईब्रो इतना ये कुछ ज्यादा हो गया।
अच्छा अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग और यहाँ पे एक चीज़ है जो कि मैं ज़रूर मेंशन करूँगी क्योंकि मैं खुद बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। ये ज़रा प्लीज़ आप दिखाएंगी अपने लंबे घने हसीन बाल, ये बिल्कुल देखें आर्टिफिशियल नहीं है, ये बिल्कुल इनके ओरिजिनल, और अगर चाहती तो मैं खींच भी सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं खींचना नहीं चाह रही। इसका मैं सच बताऊँगी राज है फाराबाजी, जो कि ये नहीं कि ये सामने है लिटरली, मतलब मुझे ये बताएं कितनी ट्रीटमेंट इसके लिए आपको कितना ख्याल रखना पड़ता है इन शॉर्ट, क्योंकि लड़कियां तो चाहती हैं यार इतने लंबे बाल हो। यार एक्चुअली मुझे माशाल्लाह महीने में दो बार या तीन बार प्रोटीन, या दो बार तो प्रोटीन लेती लेती हैं, और तब जाके बहुत अच्छा तेल नहीं लगाती, कोई देसी हर्बल, कोई ऑयलिंग नहीं करती, मैं कोई ऐसे अजीब गरीब काम कभी करती ही नहीं। और मजीद बात नहीं, एक मिनट, ये कोई अजीब गरीब काम है तेल लगाना? ये हमारी खातिन को कोई मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। आई जस्ट वांट टू टेल कि तेल लगाना वाकई अब अजीब गरीब है, वो लोगों को बुरा लगेगा। मैं ये पास के ओरिजिनल तेल नहीं मिलता ना मार्केट में, चीजें नहीं है, और जो एनवायरनमेंट है आपका वो इतना गंदा हो चुका है कि अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप ऑयल लगाएं बाहर जाएं, वो एक जो है ना मतलब आपके हेयर और डेड हो जाते हैं। वो टाइम अलहदा था उस वक्त की, बिल्कुल बाल ही नहीं, सिर्फ आप इनके हाथ देखें, खूबसूरत मेहंदी है इनके, अच्छा नेल पेंट तो दिखाए, अच्छा नेल पेंट भी लगाया है वो। और मैं फिर एक दफ़ा से कहूँगी आपको कि अपने बाल घूम के दिखाएं और इम्प्रेस करें हमारे ऑडियंस को, यू नो बाजी की वजह से है। और मैं वॉश, आप ये भी कह रही थी कि मैं वॉश घर में भी नहीं करती, ये मेरे लिए एक बहुत शॉकिंग चीज़ है। काहिली कहें या कुछ भी कहें, तो मैं वॉश भी फराबाजी से लेती हूँ एवरी आफ्टर टू डेज। मैं यहाँ पे आती हूँ, वॉश करवाती हूँ, और वीक में वंस मेरी ट्राई होती है कि मैं प्रोटीन लूँ, अगर वंस नहीं होती तो ट्राई। सना हमें आगाह करी थी एक पार्लर में मौजूद, वहाँ पर खवातीन अपनी तैयारियों में मसरूफ हैं, कहीं बाल संवारे जा रहे हैं, मेहंदी लगाई जा रही है, और चेहरे का निखार जो है वो बेहतर किया जा रहा है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पास पानी। बोल्यूस के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी दारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो कुआन पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समात की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।